उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में लोग लाइन में खड़े हैं, घंटों इंतजार कर रहे हैं, उसके बावजूद कैश नहीं मिल रहा है। तो एक ओर जहां लोगों का आक्रोश फूट रहा है, तो वहीं दूसरी ओर काली कमाई के कुबेरों का भांडा भी लगातार फूटता जा रहा है। नोटबंदी के बाद अब देश के अलग अलग हिस्सों में ईडी की छापेमारी में एक के बाद एक सामने आ रहे हैं काले धन के कई कुबेर, तो कहीं पुलिस वालों पर ही लग रहा है लूट और उगाही का आरोप। हम आपको दिखा रहे हैं तीन अलग अलग तस्वीरें। चंडीगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी में जहां दर्जी के यहां से लाखों की नकदी बरामद की गई है, ईडी ने टेलर के यहां से 31 लाख नकद बरामद किया है। इसमें 18,000, 2,000 और 500 के नए नोटों की गड्डियां हैं। इसके अलावा टेलर के पास से 2.5 किलो सोना भी जब्त किया गया है। वहीं हैदराबाद की तस्वीर है दूसरी, जहां पर दो कारोबारियों से कमीशन पर नोट बदलने के बदले 12 लाख रुपए लूटने के आरोप में एंटी करप्शन ब्यूरो ने तैनात होमगार्ड समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं तेलंगाना की तस्वीर है तीसरी, यहां के मेडक में एक सब इंस्पेक्टर को 91 लाख रुपए की लूट के मामले में गिरफ्तार किया गया है। सब इंस्पेक्टर के 4 और साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। चंडीगढ़ में गारमेंट व्यापारी के छापे के बाद ईडी को एक दूसरी सफलता हासिल हुई है। हालांकि अब की बार जो है छापा एक टेलर के यहां पर हुआ है, महाराजा टेलर नाम की 22 में दुकान है, मोहाली के फेस 7 में ये लोग रहते हैं। और जो करेंसी हासिल हुई आप देख सकते हैं, इसमें 2,000 के नए नोट है जो 18 लाख की करेंसी है, और इसके अलावा 2.5 किलो ये जो है सोना है जिसमें सोने के बिस्किट है, कॉइन्स है, और पुरानी नकदी की बात करें तो 100-100 की पुरानी नकदी भी है। और ये सारी सीजर है आप देख सकते हैं, ईडी का अधिकारी हमारे साथ छोड़ दे सर, ये किस तरीके से ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी कि अपनी जो है ये पोस्ट डीमोनेटाइजेशन को रानी करेंसी को चेंज करवा रहे हैं, उसको फॉरेन एक्सचेंज और इसपे नए नोटों में और इंडिविजुअल इसमें गोल्ड के अंदर कितनी है सर ये, तो उसके अंदर हमने देखा तो हमारे 2,000 के नोट और 100 के और 20 के और 50 के और 2.5 किलो जो है सोना हमारे को मिला। ये बताइए जो पुरानी रेट थी जो गारमेंट व्यापारी के यहाँ थी उससे कोई नहीं, उस वो अलग से थी, ये अलग तो ये मनी एक्सचेंज का काम कर रहे थे, तो कितनी ये अपनी मनी एक्सचेंज करवा रहे थे, मतलब इनके पास पुरानी करेंसी थी उसको एक्सचेंज करवा रहे थे, तो किसके यहाँ से एक्सचेंज करवा रहे थे ये इन्होंने जो अभी तक लग रहा है कि जो ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपने वर्कर्स जो है उनको लाइनों में बैंक में खड़ा करके वहाँ से चेंज करवाया, बट अभी इंक्वायरी चल रही है, मामला दर्ज करवा दिया। नहीं अभी इसमें मामला कोई दर्ज नहीं है। कभी चवन्नी की चाय बेचने वाला शख्स जब अरबों में खेलने लगे तो शक होता है कि आखिर इतनी मोटी कमाई कहां से हुई। सूरत में काली कमाई के चाय वाले पर हम लगातार 3 दिन से आपको खबरें दिखा रहे हैं, हर दिन इसकी काली कमाई का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आज 4थे दिन इनकम टैक्स विभाग की पड़ताल में चाय वाले की काली कमाई का आंकड़ा 400 करोड़ रुपए पहुंचने का अंदेशा है। तीस साल पहले चवन्नी की एक कप चाय बेचने वाले पर जब इनकम टैक्स का छापा पड़ा तो हर किसी की आंखें फटी रह गई। चाय वाले के पास शुरुआती जांच में 250 करोड़ की काली कमाई का अंदेशा था, जो अब 400 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। अलग अलग बैंकों में लॉकर मिले 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के तो नए नोट ही जब्त हुए। ये शख्स है सूरत का किशोर भजियावाला, जो अब भजियावाला फाइनेंसर के नाम से जाना जाता है। पहले चाय और फिर भजिया तलते तलते इस शख्स ने फाइनेंस के धंधे में ऐसा पैर पसारा कि लोगों को भनक तक नहीं लगी और वो अरबपति बन गया, रसूखदार बन गया। इस तस्वीर में देख सकते हैं कि भजिया वाला बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के साथ खड़ा है। कहा तो ये भी जाता है कि उसके बीजेपी और दूसरी पार्टियों के कई बड़े नेताओं से भी अच्छे रिश्ते हैं। 4 दिन से चल रही पड़ताल में किशोर के बैंक लॉकर से 90 लाख के 2,000 के नोट मिले, 23 लाख रुपए के पुराने नोट भी लॉकर से मिले, करीब 30 लाख रुपए के 100 और 50 के नोट मिले, 13 किलो सोना, बैंक लॉकर से 2.5 करोड़ की गोल्ड डायमंड ज्वेलरी, लॉकर्स में 75 लाख कीमत की 180 किलो चांदी, 4.5 लाख के किसान विकास पत्र भी मिले, करीब 200 करोड़ की कीमत की प्रॉपर्टी के कागजात, 27 बैंक खातों के कागजात भी लॉकर से मिले हैं। 2500 करोड़ आंकड़ा
आभासी से।